बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक अंतर्गत किरौली ग्राम में पति और पत्नी के बीच की लड़ाई में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी ने पति के सर पर पत्थर से वार कर दिया। पति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई ने भाभी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया है। कपकोट थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कपकोट के किरौली गांव में 5 मई की रात करीब 8:30 बजे किरौली निवासी धीरेन्द्र कांडपाल और उनकी पत्नी मुन्नी देवी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आवेश में पत्नी ने पति के सर पर पत्थर से वार कर दिया, जिसके चलते धीरेन्द्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए बागेश्वर से हमारे संवाददाता नरेंद्र विश्व की एक खास रिपोर्ट। दोबारा पे कॉल प्राप्त हुई, जिसमें मुन्नी देवी नाम की महिला जो कपकोट के प्रताली नाम की जगह पर आई है, उनके द्वारा बताया गया कि उनके पति उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। उक्त व्यक्ति तथा उक्त पत्नी का मामला पहले भी कपकोट पुलिस के सामने आता है, जिसमें हमारे कई बार इनकी काउंसलिंग कराई गई है और इनको समझाया बुझाया गया था। इसके दौरान 112 पुलिस जो कपकोट की है वहाँ मौके पर गई। जब तक थाना पुलिस और 112 पुलिस मौके पर पहुँची, तो ये आपसी झगड़े के बीच में जब इसका पति अपनी पत्नी को काफ़ी मारा था, जिसका नाम धीरेन कांडपाल है, तो पत्नी ने अपने बचाव में आवेश में आकर धीरेन कांडपाल के सर पर पत्थर से वार कर दिया, जिसकी वजह से इसके सर पर काफ़ी चोट आई और खून बहा। जब तक मौके पर 108 को बुला के जिला कपकोट अस्पताल पहुँचाया जाता, तो तब तक रस्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मतलब कपकोट चिकित्सालय में इसको मृत घोषित कर दिया गया था। इसके उपरांत जो मृतक के भाई हैं उनके द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि आवेश में आकर मृतक की पत्नी के द्वारा उनके सर पर चोट कारित की गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कपकोट थाने में धारा 304 जो कल्पेबल होमिसाइड धारा होती है, उसके अंतर्गत मुकदमा दाखिल किया गया और